राम राम जी गाइस। तो आज हम सब ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, और क्या वाकई हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है? इस सवाल का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम गोरों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन जो हमारे देश में ही कुछ दरिंदे बैठे हुए हैं उनसे हम आज़ाद नहीं हुए। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो आज मैं बात कर रही हूँ जो कोलकाता में हुआ है। आज हमारी एक और निर्भया के साथ ऐसा हुआ है। मुझे लगा था कि शायद जब निर्भया के साथ ऐसा हुआ तो हम लोगों ने एक सबक सीखा उससे, पर नहीं, हम लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा। फिर से एक निर्भया बनी। क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? क्या फिर से कोई निर्भया बनेगी? पर कब तक ऐसा होगा? हम सेफ क्यों नहीं हैं? हम कहते हैं हमारा भारत स्वतंत्र हो गया है, पर नहीं है। यहाँ लड़कियाँ सेफ क्यों नहीं हैं? लोग बोलते हैं कि छोटे कपड़े पहने थे इसीलिए, या रात में बाहर घूम रही थी। एक हॉस्पिटल में थी वो, उसने तो छोटे कपड़े भी नहीं पहने थे, फिर भी उसके साथ ऐसा हो गया, क्यों? और पता है सबसे बुरी बात क्या है, कि जब सबको पता होता है कि बुरा हुआ है, फिर भी हमें इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। निर्भया को इंसाफ पाने के लिए 6 साल 2012 में हुआ, और कितने साल बाद उसको इंसाफ मिला, ये जानते हुए कि उसके साथ गलत हुआ है और किसने किया है, इसके बावजूद भी। अब देखो इस निर्भया को कब तक इंसाफ मिलेगा।